अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये मॉर्निंग टाइम था, बच्चे जो है वो खेल खेल के इतना मैस करते रहते हैं। बस हम मदर्स का काम यही होता है कि हम समेटते रहें और बच्चे फैलाते रहें। और जैसे बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो बस यही चल रहा है घर में आजकल। तो चीज़ें वगैरह सब समेट के मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैं आज बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी जो है ना वो बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम, जो कि बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास ये कुछ फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी जिसको मैंने सुबह से निकाल के जो है ना वो रख दिया था, ताकि इसकी जो जितनी इसमें आइस है वो सब मेल्ट हो जाए। तो जैसे वो मेल्ट हुई तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पानी रिलीज़ किया, तो वो पानी मैंने जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिया सारा। और उसके बाद मैंने जितनी भी स्ट्रॉबेरीज थी उनकी प्यूरी बना ली, और इस तरीके से जो है वो ब्लेंडर में डाल के मैंने इसकी प्यूरी बना ली। और प्यूरी बनाने के बाद जो है मैं इसको किसी भी पैन में डाल के जो है ना इसको पकाऊंगी। तो बस जग में जितनी भी साइड्स पे लगी हुई थी मैंने कहा सब सही से निकाल लूं, और इसके बाद जो है ना हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो इसमें हाफ कप जो है वो चीनी डाली है। अच्छा, ये मेरे पास तकरीबन जो है ना वो 250 ग्राम से मतलब ज़्यादा थी, और जो है ना उसमें मैंने हाफ कप ऐड किया है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा इसमें मिठास चाहिए हो तो आप थोड़ी सी इसमें शुगर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ कप जो है ना वो शुगर ऐड किया है। और आपने इसको अच्छे से पका लेना है। जब आपको लगे कि इसमें जो है ना वो बॉईल आना शुरू हो रहा है तो आपने इसमें जो है ना वो 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद आप इसको अगेन जो है ना वो अच्छे से पका लेंगे। बस इसकी मेन चीज़ ये होती है कि इसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कि ये बहुत ना थिक हो और ना बहुत लिक्विडी हो। लिक्विडी होगी तो वो बिल्कुल भी आपको जो है ना वो मज़ा नहीं देगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने एक जो है ना वो एम्प्टी प्लेट यानी कि खाली प्लेट मैंने फ्रीज़र में रख ली थी। आइस कोल्ड जो है ना वो समझे ये प्लेट है हमारी, उस पर मैंने इसका एक ड्रॉप डाल के चेक किया। देखें ये बिल्कुल भी ना लिक्विड की तरह नहीं गिर रही और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मैं इसको दोनों तरफ से जो है ना आपको करके दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। देखें यहाँ से भी बिल्कुल भी नहीं जो है ना वो एक होता है ना, आप अगर लिक्विड होती ना तो एकदम से गिर जाती। तो इसकी ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है ना वो रेडी हो गई थी, और इसका टेस्ट, इसकी शुगर वगैरह सब कुछ बहुत बैलेंस थी। तो बस यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी जैम रेडी है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी ऐड नहीं है। ये बिल्कुल प्योर और बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो होम मेड स्ट्रॉबेरी जो जैम जो है ना वो आप घर पे बनाएं और बच्चों को खिलाएं, और इतनी हेल्दी। और जो है ना इसमें हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त, और बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि आपने घर में बनाई है, घर में बनाई है। तो मैंने कहा हाँ मैंने आज घर में बनाई है। तो मेरे पास तरह से ये जैम का ही जो है ना वो एम्प्टी जार था एप्पल जैम का, तो उसमें हम स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी जार हो आप उसमें फिल कर दें, और ये आप इसको 1 मंथ तक फ्रिज में रखे ईजीली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो चलेगी। तो बस मैंने यहाँ पे ब्रेड पे भी लगा के दे दिया था, और ब्रेड पे भी बिल्कुल बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गई थी। और जो है ना वो बहुत इजी रेसिपी है, इतनी सिंपल कि बस आपने जो है ना वो उनको हल्का सा बॉईल देना है, उसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद जब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक होने लगे तो आपने इसमें लेमन जूस ऐड करके उसको रेडी कर लेना है।